हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी जस्ट। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं। मैंने ऑलरेडी वहां पर आप लोगों को रिवाइज भी कराया था, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, केमिकल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम क्या देखते हैं, बेसिकली एक कंडक्टर होता है जिससे हम विद्युत की धारा क्रॉस कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं। तो एक कंडक्टर बिहेव करने लगता है एज ए मैग्नेट, एंड उसके आसपास में एक फील्ड तैयार हो जाता है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। उस रेडियस में, उस एरिया में जितना भी मैग्नेट, मतलब जितने भी आयरन के छोटे छोटे कण मिलेंगे वो उसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, बट तब तक जब तक उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। एट द मोमेंट वहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना बंद कर देंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड भी हट जाएगा एंड वो फिर से वो अपने पुराने फॉर्म में वापस चला जाएगा। ये जो सारा कुछ है, ये सारा कुछ कौन किए थे, H.W. Oersted, राइट। H.W. Oersted, ये पूरा का पूरा डेफिनेशन जो है, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो है, ये उन्होंने ही दिया था। व्हाट द पॉइंट, ये होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड पार्ट, जहां पर बहुत कुछ जानना तो नहीं है, बट इतना जानना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब डायरेक्शन कैसे याद आता है, डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं, ये सारा कुछ। एंड बार्क-सावर्ट लॉ भी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा देंगे। इसका बहुत डिटेल में तो जा नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि इसके लिए आपको इंटीग्रेशन या फिर वेक्टर्स एडिशन ये सब भी जानना जरूरी है। तो बेसिकली वो हायर क्लासेस में आते हैं, तो वो मैं इतना डिटेल्स में नहीं जा सकता एट द टाइमिंग। मैं उसे इतना करा सकता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि बार्क-सावर्ट लॉ काम कैसे करता है, ठीक है। चलो देखते हैं आज की क्लास को। उससे पहले, ये हमारा YouTube का चैनल है स्टडी जस्ट अकेडमी, इसे जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो। Facebook का चैनल है, इसे पेज को लाइक करके रख लेना। ये Telegram का पेज है, Telegram के पेज को ज्वाइन करके रखो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट PDF नोट्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। एंड कोई भी क्वेश्चंस रेज करना हो ना, तो ये WhatsApp कम्युनिटी को मतलब अवश्य ज्वाइन करके रखो, ठीक है। ये मैंडेटरी है, कोई भी क्वेश्चन आप रेज करना चाहते हो तो इसको ज्वाइन करके रखो। यहाँ पे बहुत सारे सिर्फ क्वेश्चन ही रेज नहीं कर पाते हो, बहुत सारे इंटरेक्शन भी होते हैं आपको अपने फैकल्टीज के साथ, ठीक है। और ये क्या है, ये है हमारा वेबसाइट www.studyjst.in। बहुत ज्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा प्ले स्टोर में ऐप है, ये हम लोग का यूट्यूब पेज है, और ये हम लोग का फेसबुक पेज है, ठीक है। चलो आते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं, H.W. Oersted ने बताया था, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, करंट यहाँ मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये भी यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये कट नहीं होगा, बताया था ना मैंने, एक लाइन दूसरे लाइन से कट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हम टेंजेंट ड्रॉ करके डायरेक्शन निकालते हैं। तो क्या होता है, उसी टेंजेंट को नहीं, हम लोग क्या देखेंगे आज कि ये हम लोग कैसे निकाल पाते हैं, वो थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे। यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल होता है, ये राइट हैंड थंब रूल होता है, ये थंब रूल होता है, ये थंब मान लेना, अगर ना भी हो तो ये मान लेना, ठीक है, मान लेना, ये धमकी है मेरे तरफ से। ये राइट हैंड थंब रूल से भी हम लोग इसे ज्ञात करते हैं, इसे हम पता लगाते हैं, इसे हम रिड्यूस करते हैं। व्हाट द पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे, बेसिकली थ्री पॉइंट पर देखेंगे जो Oersted जी ने भी बताया था। ये स्नो, SNOW, देखो इसको लिख रहा हूं मैं, स्नो, ये बेसिकली है क्या, स्नो मतलब व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट आइज पास फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड वेयर, ये मान लो एक वेयर है, ये एक निडल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरा, ये मान लो एक मैग्नेटिक निडल है, ये जब यहां से मैं जब इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस करा रहा हूं, ये सॉरी साउथ टू नॉर्थ वाला है ना, थोड़ा सा इसको रब कर लू, हाँ ये हो गया मेरा साउथ, ये हो गया मेरा नॉर्थ, ये अंदर की बात है, ये अंदर से चल रहा है। मान लो कि ये ऐसे चल रहा था, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में काम ऐसे कर रहा था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में काम ऐसे कर रहा था, तो अंदर से ऐसे चलेगा ना, मैंने बताया था आपको आउटवर्ड इनवर्ड। तो साउथ से नॉर्थ जब चल रहा है, और ये मैग्नेटिक निडल अगर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रखा हुआ हो, तो वो क्या किस तरफ डेविएट होगा, वो डेविएट होगा वेस्ट में, वो किस तरफ डेविएट होगा, वेस्ट में। ये वेस्ट को कैसे दिखाते हैं, देखो डायरेक्शन को समझो, डायरेक्शन कुछ ऐसा है हम लोगों का, पानी पी लो एक मिनट, डायरेक्शन हम लोगों को कैसा है, ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा नॉर्थ, ये है हमारा साउथ, ये है हमारा वेस्ट, ठीक है, ये हम लोग का डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक निडल जब ऊपर रखा होगा, तो ये कुछ इस तरह से डेविएट हो जाएगा, इस तरह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो मुझे यहां से मिलता है, ऐसे मिलता है, ठीक है।
एट द सेम टाइम वहीं अगर आप NSOW को देखो NSOW में क्या होता है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जब वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रहा है ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रहा है, आउटवर्ड हो रहा है, और सेम यहां पर भी एक वही निडल है, ठीक है, लग नहीं रहा है निडल बट समझ लेना निडल है, ठीक है, ये मेरी खुली चुनौती है, ये एक निडल है, ये निडल जब नॉर्थ से साउथ भी जाएगा ये NSOW नहीं होगा भाई, ये NSOE होगा, ठीक है, ये बेसिकली NSOE होगा। तो जब मैग्नेटिक निडल नॉर्थ से साउथ करंट जब फ्लो कर रहा है नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेटिक निडल ऊपर रखा हुआ है तो मतलब ओवर द मैग्नेटिक फील्ड अगर निडल रखा हुआ है तो ये कैसे डेविएट करेगा, ये डेविएट करेगा टुवर्ड ईस्ट, दैट इज ये डेविएट करेगा टुवर्ड इस तरफ, ठीक है, ये डेविएट करेगा टुवर्ड इस तरफ। SNBE क्या है, इसको थोड़ा सा रब कर लो, ये समझ में आ गया इतना बात, समझ में आ गया SNBE क्या है। अब SNBE देखते हैं, SNBE इसको देखते हैं, ये मान लो फिर से वही मैग्नेट साउथ नॉर्थ ये फ्लो कर रहा है इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ से फ्लो कर रहा है और ये निडल यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, सॉरी ये निडल कुछ इस तरह से रखा हुआ है बिलो, अब तक ओवर में रखा जाता मतलब ऊपर रखा जा रहा था, अब बिलो में रखा जा रहा है, नीचे रखा जा रहा है, जब नीचे रखा जाएगा तो ये टुवर्ड द ईस्ट किस तरफ डेविएट करेगा, टुवर्ड द ईस्ट, बराबर। तो ये है डायरेक्शन निकालने का जो ओलस्टेड जी ने बताए थे, SNOW मतलब साउथ से नॉर्थ फ्लो कर रहा है, ओवर द निडल ओवर रखा गया वेस्ट की तरफ डेविएट करेगा, N से S जब फ्लो कर रहा है नॉर्थ से साउथ तो वो ईस्ट की तरफ डेविएट करेगा, जब SNBE जब साउथ से नॉर्थ फ्लो कर रहा है और निडल नीचे रखा हुआ है तो वो ईस्ट की तरफ डेविएट करेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं राइट हैंड थंब रूल, ये है राइट हैंड थंब रूल, देखो इसको, ये हो गया राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल इसको हम किस तरफ रखते हैं, ये अंगूठा है ना, ये अंगूठा, इस अंगूठा को हम किस तरफ रखते हैं, जिस तरफ बिजली दौड़ती है, राइट, जिस तरफ बिजली दौड़ती है फ्लो ऑफ करंट में हम इसको रख देते हैं, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट में हम इसे रख देते हैं, मान लो इस तरह से करंट जा रहा है तो फ्लो ऑफ करंट में मेरा थंब ऐसे रहेगा। अब थंब अगर ऐसे रह रहा है मतलब आप अपना थंब आप अपने तरफ से भी इसको करके देखो, ये अगर थंब को आप ऐसे रखोगे तो थंब अगर ऐसे रख रहे हो तो अब इसको हम ऐसे मुड़ रहा हूं, ऐसे में मुड़ा रहा हूं इसको, ऐसे में घुमा रहा हूं इसको, तो ये किस तरफ घूम रहा है, देखो ये थंब मैंने इस डायरेक्शन में रखा और हाथ को मैंने ऐसे घुमाया, हाथ को अगर मैंने ऐसे घुमाया तो कुछ इस तरह से ये घूम रहा है कि नहीं, कुछ इस तरह से वो घूम रहा है। तो अगर इस तरह से वो घूम रहा है तो वो डायरेक्शन क्या है बताओ भाई, ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, मान लो ये घड़ी है आपकी, ये आपकी घड़ी है, ये हो गया 12, ये हो गया 1, ये हो गया 11, तो अगर घड़ी की मतलब यहाँ पे आप ऐसे रख रहे थे, थंब यहाँ पर रख रहा था आपने, थंब आपका ऐसा था और ये हाथ आपका ऐसे घूम रहा है तो ये घड़ी का सुई ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब मैं नॉर्थ की तरफ ऐसे करके थंब को रख रहा हूँ, ऐसे थंब जब नॉर्थवर्ड है तो ये घड़ी, तो ये राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि करंट जब ऊपर फ्लो कर रहा है नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है तो राइट हैंड थंब रूल से मुझे ये पता लग जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। और वही सेम थिंग एट द सेम टाइम यही डायरेक्शन अगर आपकी साउथवर्ड हो, ये डायरेक्शन अगर आपकी साउथवर्ड हो तो ये अगर आपकी साउथवर्ड हो तो आप उसको ऐसे मोड़ोगे तो कुछ ऐसा होगा, तो ये क्या हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे यहां पर घूम रहा था यही डायरेक्शन को अगर आप ऐसे रखोगे तो वो कुछ इस तरह से घूमेगा तो क्लॉकवाइज, दैट इज फाइनल हो गया कि नॉर्थ में रख रहे हो तो करंट आपका फ्लो कर रहा है एंड आप मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो है वो मतलब किस दिशा में मिलेगा आपको, एंटी क्लॉकवाइज, जब साउथ में रख रहे हो घुमा रहे हो हाथ को वो आपको किस दिशा में मिलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, गॉट द पॉइंट, यही है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। चलो अब आते हैं, बस इतना जान के रखो कि राइट हैंड थंब रूल और स्नो, इसी तरह स्नो NSOE एंड SNBE, इस तरह से मुझे पता लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जिसे हम कहते हैं बायो सेवर्ट लॉ, और ये लास्ट है, ठीक है, आज मतलब आज आपको क्लास ज्यादा देर का नहीं चलेगा, ये छोटा क्लास है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, तो ये बेसिकली अंत है मैग्नेटिक इफेक्ट एट द टाइमिंग, आज के लिए इतना अंत है, इसके ऊपर और भी क्लासेस आएंगे और थोड़ा बहुत एडवांस लेवल में जाएंगे हम लोग,
बट एट द टाइमिंग इसको इतना जान के रखो कि बायो सेवर्ट लॉ से मतलब खत्म है, इसके ऊपर और जानना नहीं है। और भी क्लासेस आएंगे, सॉलिनॉइड का क्लास आएगा, टोरॉइड का क्लास आएगा, ये भी सब सारे मैग्नेटिक इफेक्ट में ही आते हैं। ये सारा क्लास आएगा, धीरे धीरे आएगा, बट एट द टाइमिंग इतना काफी है। ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ इतना काफी है, बायो सेवर्ट लॉ भी नहीं है, वहीं तक काफी था, राइट हैंड थंब रूल तक। बायो सेवर्ट लॉ में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करा के रख रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, चलो, यू आर द स्टूडेंट ऑफ स्टडी जस्ट, यू बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, है ना। चलो बायो सेवर्ट लॉ को देखेंगे। ठीक है, चलो बायो सेवर्ट लॉ को देखते हैं कि क्या है बायो सेवर्ट लॉ। देखो, बेसिकली कोई भी लॉ होता है ना, तो हमें क्या जानना जरूरी होता है कि वो बेसिकली काम क्या कर रहा है, ये बहुत जरूरी है जानना। बिना उसको जाने आप कुछ भी उसको उसको उसके साथ उसको छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली पहले तो इतना जान लो कि बायो सेवर्ट लॉ से हमें पता क्या चलता है। आप लोगों को पता है मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कराया था आप लोगों को, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी मात्रा में फोर्स लग रही है ये जानने के लिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कराया था। कोई भी एक पोल से, नॉर्थ पोल या साउथ पोल हो, पर्टिकुलर उस पॉइंट पे कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना लग रहा है उसके ऊपर, इससे इससे मैं मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी से वो पता कर रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो वही बेसिकली वही मुझे जानना होता है बायो सेवर्ट लॉ से। ये मान लो एक वायर है, ये मान लो एक वायर है, ठीक है, ये मान लो एक वायर है, करंट फ्लो हो रहा है यहां पर आई, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है यहां पर आई, और यहां पर कोई एक पॉइंट है पी, जिस पर कितनी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ये मुझे जानना है, ये मुझे पता लगाना है। ठीक है, ये मुझे पता लगाना है। इसको मैं कैसे पता लगाऊंगा, देखो इसको समझो। अब इसको ही मैं थोड़ा सा यहां पे लिखता हूं, ये यहां से लिख रहा हूं मैं। अरे यार देखो, इसको मैं प्रूफ कैसे करता हूं, देखो इसको, ये एक पॉइंट है, यहां से विद्युत की धारा बह रही है, करंट फ्लो हो रहा है यहां पर आई, यहां पर एक पॉइंट है पी, जहां पर कितनी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है उसको, उसके ऊपर ये मुझे ज्ञात करना है, ये मुझे निकालना है। ठीक है, और इस वायर से इसके डिस्टेंस मैंने मान लिया आर, छोटे से पॉइंट, छोटा सा एक पॉइंट के लिए मान लो, इतनी लेंथ के लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये फील्ड मैंने डीएल रख लिया, और इसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा, मैंने एक परपेंडिकुलर, अरे यार एक मिनट रुक जा भाई, टेक्निकल इश्यूज थोड़ा आ रहे हैं, मैं फिर से करता हूं इसको। देखो ये करंट है ना, ये करंट है फ्लो कर रहा था यहां से करंट, ये एक पॉइंट है पी जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसके ऊपर कितना इंटेंसिटी आ रहा है, ये इसकी डिस्टेंस आर हो गई इस वायर से, और मुझे कितना यहां इतना दूर का लेंथ मुझे लेना है डीएल, इस लेंथ तक मुझे जानना है कि थोड़ा इतना लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर क्या होगा, वो लेंथ मैंने डीएल से ले लिया। तो यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा, ठीक है, यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा, यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा, देख रहा है, ये बहुत ज्यादा गलती हो रहा है यहां पर, बता यार। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं, है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं, प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है यहां पर। देखो इसको, ये एक वायर है आपकी, ये आपकी करंट है आई, ठीक है, ये एक पॉइंट है पी जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इस वायर से इसका डिस्टेंस मैंने आर मान लिया, मुझे यहां तक इतनी दूर तक दूरी मुझे चाहिए जो मैं डीएल मान रहा हूं, मुझे क्या चाहिए उस अमाउंट ऑफ लेंथ ऑफ वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है वो मुझे निकालना है। उस छोटा सा लेंथ को मैं डीएल ले लिया, यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा, यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा, ठीक है, जिस एंगल को मैंने मान लिया कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, वो उस लेंस से क्या एंगल बना रहा है, वो एंगल बना रहा है थीटा। अब मुझे देखना यह है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कैसे निकालते थे, बी से निकालते थे वो डीबी। तो बायो सेवर्ट लॉ ये कहता है कि ये जो डीबी है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो वहां पे जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द फ्लो ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड जो है डीबी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द फ्लो ऑफ करंट, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंडली, ये जो डीबी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द अमाउंट ऑफ लेंथ ऑफ वायर जो हमने लिया है, ठीक है, ये जो डीबी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द साइन थीटा, साइन थीटा, ये जो एंगल आप ले रहे हो उसके उसके ऊपर साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एट द सेम टाइम ये जो डीबी है वो
वो जो डीवी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द वायर. गॉट इट? तो ये चारों को मैंने जब मिलाया तो मुझे मुझे मेरे पास क्या आया, डीवी इज इक्वल्स टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, इक्वल टू नहीं है, ये कोफिशिएंट है. ठीक है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. अब आपको पता है कि मुझे जब भी कोफिशिएंट हटाना होता है तो मुझे एक कांस्टेंट लाना पड़ता है. ठीक है, वो कांस्टेंट क्या है मेरा, वो कांस्टेंट है मेरा के. ठीक है, वो कांस्टेंट क्या है मेरा के, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. यही है बायोट सेवर्ट लॉ. ठीक है, यही है बायोट सेवर्ट लॉ. ये क्या है मेरा बायोट सेवर्ट लॉ है ये. ठीक है, ये के क्या है, के है सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. म्यू नॉट पता है आप लोगों को क्या होता है, म्यू नॉट, म्यू नॉट इज परमेबिलिटी इन वैक्यूम. ठीक है, परमेबिलिटी इन वैक्यूम, उसको हम क्या कहते हैं, म्यू नॉट कहते हैं. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गई के की वैल्यू. आपको मैंने बताया था उस वक्त कि ये कांस्टेंट होता है, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है. ये वायर किस चीज से बना हुआ है इसके ऊपर डिपेंड करेगा म्यू नॉट. तो बेसिकली बायोट सेवर्ट लॉ यही है, इससे मुझे ये निकालने में आता है कि कितनी मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड वहां पे उस पॉइंट में मैग्नेटिक फोर्स कितना मात्रा में वहां पे जनरेट होगा. ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ करंट. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द अमाउंट ऑफ लेंथ ऑफ द वायर व्हिच वी टेकन. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द साइन थीटा. साइन थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन जो मैंने परपेंडिकुलर लिया था और जो लाइन मैंने, जो डिस्टेंस मैंने लिया था उसके ऊपर, एंड ये डिस्टेंस जो होना है आर स्क्वायर, इसके ऊपर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, चलो यही होता है बायोट सेवर्ट लॉ. तो इसके ऊपर अब और क्लासेस आएंगे, सोलेनोइड का क्लास आएगा, टॉरॉइड का क्लास आएगा, ये मैं अगले कुछ दिनों में कराऊंगा आप लोगों को. बट एट द टाइमिंग इतना जान के चलो, इतना मान के चलो कि इतना तक काफी है. इसका देखो, इसका डेविएशन भी आता है. ठीक है, इसका डेविएशन भी आता है, मैं किसी और क्लासेस में कराऊंगा, एडवांस लेवल का जो क्लास होगा फिजिक्स का, उसमें मैं कराऊंगा कि बायोट सेवर्ट लॉ को कैसे डेविएट करते हो, किसको कैसे इसको डिराइव करते हो. इसका डेरिवेशन भी बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार, उसको देखोगे ना तो मतलब प्यार हो जाएगा. ठीक है, उसका डेरिवेशन देखोगे तो. एट द टाइमिंग मैं वो सब नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको वेक्टर जानना जरूरी है. तो वो बेसिकली जूनियर क्लासेस में वो होता नहीं है, वो हायर क्लासेस में आते हैं, तो एडवांस क्लासेस में वो होगा. ठीक है, चलो अब एडवांस क्लासेस के बच्चे जो है वो यहां तक तो देख लिया. पार्ट 3 पार्ट 4 जो आएंगे वो आपके लिए आएंगे, अलग से आएंगे. बट एट द टाइमिंग जूनियर क्लासेस के लिए इतना काफी है. जो भी एडवांस लेवल के बच्चे इसको देख रहे हो, ये इतना जान के रखो कि यहाँ पर आप लोगों के लिए खत्म नहीं है मैग्नेटिक इफेक्ट. इसके बाद और भी कुछ पढ़ना है आप लोगों को, वो मैं अगले क्लासेस में लेके आऊंगा. और जूनियर लेवल में क्लासेस में जो हो, अप टू 10 तक जो हो, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इतना काफी है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे कुछ और टॉपिक के साथ. इलेक्ट्रिसिटी लगभग कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का, तो कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे. केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो कराएंगे आप लोगों को, एंड थोड़ा बहुत देखेंगे कि अगर एडवांस लेवल में कुछ इलेक्ट्रिसिटी और जानने की जरूरत हो तो वो भी हम लोग देख लेंगे. ठीक है, चलो.